अभी हमारे पूरे देश में, विश्व में भी बोले तो कोरोना फैला हुआ है, और कोरोना के बारे में लोग इतनी ज्यादा भ्रांतियां फैला रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कोरोना से आप डरे नहीं, लगे उसके लिए आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, अपने श्वसन तंत्र को आप बढ़ाए, इससे कि आप रोग को आप अपने आप से दूर भगा सकते हैं और अपनी और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने श्वसन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्राणायाम हम करें। प्राणायाम में आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करना है, आप अनुलोम विलोम तो करते ही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम श्वास लेते हैं, राइट से लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, कुंभक करना है। श्वास लीजिए, इस प्रकार की मुद्रा बनाइए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, नाक को बंद करिए, फिर राइट को से छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप फिर नाक बंद करिए, फिर श्वास लीजिए, फिर नाक बंद करिए, नाक से श्वास को छोड़ दीजिए। इसी प्रकार के आप 2 मिनट से 5 मिनट तक आप करिए भस्त्रिका प्राणायाम। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, भस्त्रिका करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे। साथ में आप काढ़ा पीजिए, जो उपयोगी काढ़ा है। आप काढ़े में आप लौंग डालिए, इलायची डालिए, अदरक डालिए, तुलसी डालिए, अजवाइन डालिए, गुड़ डालिए, इस प्रकार का आप काढ़ा पीजिए। काढ़ा पीने के बाद आप हम क्या कर सकते हैं कि इसी काढ़े को हम पानी में डाल के हम इसको पानी को भी दिन भर में पी सकते हैं। रात को सोते समय आप करिए, हल्दी का दूध पीजिए या कुनकुने पानी में हल्दी डालिए और उसको पीजिए, इससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप साथ में खट्टे फल अधिक से अधिक खाइए। आप नीलगिरी का जो तेल है उसको आप अपने कपड़ों में लगाइए, आप एक रुमाल में लगाइए, उस रुमाल को पूरे टाइम सूंघते रहिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रात को सोते समय अपने नाभि में और अपने नासिका में सरसों का तेल आप डाल सकते हैं, और तेल डाल देने से आपके शरीर में इतनी हीट होगी कि 24 घंटे तक आपको किसी भी प्रकार का रोग का डर नहीं रहेगा। और आप इस समय देखिए, धूप भी हमारे यहाँ तेज हो गई है, तो आप धूप में कम से कम 5 मिनट से लेके आधा घंटा तक आप धूप में रहेंगे। और आप विटामिन सी विटामिन डी का अधिक से अधिक उपयोग करिए, आप पानी का अधिक से अधिक उपयोग करिए, आप क्या नाम से अपना ये हवन है, हवन को इस प्रकार से आप हवन कर सकते हैं अपने घर में। और हवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता औषधि वाली चीजें आप इसमें आप डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें तुलसी डाल सकते हैं, नीम डाल सकते हैं, छाल डाल सकते हैं, तेजपान डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, हल्दी और गाय का घी, शक्कर और चावल, इस प्रकार की सामग्री आप अपनी हवन सामग्री में डाल के वातावरण को आप शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस प्रकार का यदि आप प्रिवेंशन लेते हैं तो आपको यह रोग बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ना ही आपको परेशान करेगा, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति होगा। इसलिए बिल्कुल मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल पैनिक मत होइए और अधिक से अधिक क्या नाम से अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ाइए। आप प्राणायाम करके, आप खान पान में सुधार करके, आप अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आप इस कोरोना वायरस की जंग से हम विजयी हो सकते हैं।